शुरू करता हूँ लक पाक नाम से। आज हमारे एम एस वर्ड की सेकंड क्लास है और आज मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा है, जो होता है सुपर स्क्रिप्ट, इसका मतलब यह है कि किसी भी नंबर की वैल्यू को ना अप करके लिखना है, उसकी वैल्यू लगाना है, जो इसकी पावर बना के लिखना है। जैसे 2 की पावर 5 आ गई, स्पेस दी, 5 की पावर 4 आ गई। असल में बहुत छोटे लेटर मैं आपको अभी बोल्ड करता हूँ और साइजिंग का बड़ा करता हूँ। अच्छा जी, जब अपने 2 की पावर 5 लगाना था, मगर ये 2 के पावर 5 लगाने 25 बन गया, क्योंकि हम जब काम कर रहे थे एम एस वर्ड पे तो नंबरिंग 1, 2, 3 के इक्वल आ जाती है। देखिए मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, अभी मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने लिखा है, लेकिन वो नंबरों के हिसाब से इसके पावर का कोई सीन नहीं है। तो हमने पावर लगानी है तो लिखते हैं 2 के पावर 5, लेकिन वो 25 लिखा जाए या 54 लिखा जाए, उसके पावर का ये सीन है। ऐसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 5 को मार किया, उसके बाद हमने यहाँ सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के साथ जो है ये जो है इन दोनों से एक एक को अप्लाई करना है, ठीक है होगा। सबसे पहले हम करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म ये अच्छा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के ये अप्लाई हो जाता है। अब इसको क्लिक करेंगे, 2 की पावर 5 आ गई है, ठीक हो गया। अब जब ये है तब इसके हम शॉर्ट की इस्तेमाल कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ दबाएंगे, 7 प्लस दबा देंगे, इसकी पावर लगी, वैल्यू इसकी आ गई, ठीक हो गया। समझ तो आ गई होगी। इसका मतलब ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, जो भी हम एम एस वर्ड पर किसी क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैथमेटिकली फिजिकली है या फिर उसका केमिस्ट्री का कोई सोल्यूशन कुछ भी लिख रहे हैं, क्योंकि वो इसी वे से लिखा जाएगा। बाकी 1, 2, 3 जैसे अभी हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह वो नहीं लिखा जाएगा, कभी भी नहीं लिखा जाएगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लगाना ज़रूरी है। अब जैसे कि अभी है सबस्क्रिप्ट, अब इसकी वैल्यू 2, 5 और 5, 4 है, ये नहीं है। अब इसकी जगह हम लगाते हैं सबस्क्रिप्ट, अब इसकी जगह 2, 5, 4 आ जाएगा, स्पेस दे 5, 4 लगा। जब हमने 4 की वैल्यू है इसको नीचे लाना है, इस पे जाएंगे और इसका शॉर्ट है वो की है ये कंट्रोल प्लस दबा देंगे, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। अगर हम इस पे अब हम करेंगे शॉर्ट के अप्लाई, कंट्रोल और प्लस को दबाएंगे, वो वैल्यू नीचे आएगी, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। ये एक्सप्रेशन इसलिए तो काम आता है क्योंकि जब हम कोई पेपर बना रहे होते हैं बच्चों के, उसके बाद एग्जाम की तैयारी कर, जो मैथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की समझ आ गई होगी। अगर कुछ मसला वगैरह है तो आप मुझे वैसे करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम पता करेंगे इसके बारे में, ये है चेन केस। उसके बाद हमने करना है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, उसके बाद हमने करना है टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स, एंड उसके बाद लास्ट में हमने फॉन्ट कलर करना है। सबसे पहले हम करते हैं सेंटेंस केस वगैरह, ये होता है, ये देखिए ये 4 तरह को देखा है, सेंटेंस केस, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक टोटल केस है। इसमें से जो भी हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो हमने फॉन्ट जब ओपन किया ना एक्सेल एम एस वर्ड जब ओपन हमने किया है तो सबसे पहले सेंटेंस केस ऑटोमेटिकली लगा होता है। मैं आपको एक वैल्यू दिखाता हूँ, लिखते हैं इसका बोल कर लेते हैं और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखें, जैसे लिखा माय नेम इज अली, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई रीड इन 7th क्लास, ठीक हो गया।
अब जब इन समसारों को मार किया उसके बाद हमने करना है सेंटेंस के, क्योंकि सेंटेंस के ऑटोमेटिकली अगर हम कर लेते हैं सेंटेंस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस के जब भी हम ओपन करते हैं अक्सर सेंटेंस के सबसे पहले लगा होता है, सेंटेंस केस लगा होता है। इसके बाद हम करते हैं लोअर केस। अब लोअर केस में ये सीन है, इसका मतलब जो ऑल वर्ड्स होते हैं जितने भी हैं, माई नेम इज अली है, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई रेड इन साउथ कलर, अभी टोटल के टोटल वर्ड स्मॉल आ जाएंगे, कोई मीन्स कैपिटल कुछ भी नहीं होगा, टोटल सेम होगा, बेशक फर्स्ट वर्ड है या लास्ट है सेंटर में, जो भी टोटल के टोटल स्मॉल होंगे। इसके बाद अगर हम अप्लाई करें अपर केस, और अपर केस का ये कि टोटल के टोटल वर्ड माई नेम इज अली, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई रेड इन साउथ कलर, सब के सब कैपिटल में आ जाएंगे, कोई भी स्मॉल नहीं रहेगा। लोअर और अपर का मतलब टोटल लोअर आ जाएंगे, और अपर का मतलब टोटल अपर आ जाएंगे, ना उसमें से कुछ लोअर होंगे ना कुछ अपर होंगे, टोटल लोअर और टोटल अपर, ठीक हो गया। अब साथ में कुछ भी लिखते जाएंगे वो साथ में टोटल अपर ही आते जाएंगे, फिर लोअर में अगर अप्लाई करेंगे तो साथ में टोटल लोअर ही आते जाएंगे। दोबारा से मार्क किया, अब हम करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें यह है कि जो भी वर्ड है बेशक वो है माई का है, नेम का है, अली का है, फ्रॉम का है, लाहौर, डेट, सेम, जो भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी टोटल वर्ड स्मॉल है। आप खुद ही देख लें, एम वहाँ कैपिटल है, एन कैपिटल, आई ए फ्रॉम, एफ एल, आई आर, आई, ये देखें टोटल वर्ड कैपिटल, बाकी आगे वाले टोटल वर्ड स्मॉल है, कोई भी वर्ड ऐसा ही नहीं आगे जाके कैपिटल हो जाए, नहीं, फर्स्ट टोटल वर्ड कैपिटल है। उसके बाद अगर आ जाए टोटल केस, उसका मतलब ये कि फर्स्ट जो वर्ड होता है वो टोटल स्मॉल हो जाता है, फर्स्ट एम का, माई का एम स्मॉल हो गया, नेम का एन, इज का आई, एली का ए, बाकी जो बाद में जो आ जाता है वो कैपिटल, जैसे वाई कैपिटल आ रहा है, ए कैपिटल आ रहा है, एम कैपिटल आ रहा है, ई कैपिटल आ रहा है, एल, एक एल कैपिटल आ रहा है, आई कैपिटल आ रहा है, ये केस है। अब मुझे लगता है आप जो समझ आ गई होगी, सेंटेंस केस जैसे होता है, देखो मार्क नहीं किया, सेंटेंस के जो सबसे पहले लगा होता है ऑटो, उसके बाद लोअर केस जो सबको स्मॉल कर देते हैं, अपर केस जो टोटल वर्ड को कैपिटल कर देते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसमें से जो फर्स्ट वर्ड सिर्फ उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, लोअर केस जो फर्स्ट को स्मॉल बाकी उनको कैपिटल कर देते हैं। ये बेसिकली यूज जो होता है वो सेंटेंस केस हो जाता है, और अपर लोअर भी नॉर्मली हो जाते हैं, लॉजिकल और ये कैपिटलाइज ये बहुत कम यूज होते हैं, क्योंकि तो हम पैराग्राफ लिखते हैं या फिर किसी ऐसे लिखते हैं या कुछ भी हम लिखते हैं तो मेन सब सेंटेंस केस यूज होते हैं, क्योंकि परफेक्ट और खूबसूरती नज़र आ रहा होता है, ये लिखा जाता है। उसके बाद ये देखें हम इसको मार्क करते हैं और आ जाते हैं इस पे टेक्स्ट अफेक्ट्स एंड टोयोग्राफी। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने ये टेक्स्ट लिखा है, मार्क हमने इसको किया हुआ है, उसके डिफरेंट कलर के डिज़ाइन और ये आगे तक कलर वगैरह, जैसे अब हमने इसका कलर ले लिया येलो कलर ले लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसके आउटलाइन देनी है, जब आउटलाइन देने के आउटलाइन के अगर डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, रेड आ रहा है, येलो, ब्लू, ये वो सब कुछ कलर आ रहे हैं अपने, हमने उसके बाद मोर आउटलाइंस आ जाती हैं, मोर में अपने पसंदीदा कलर ब्लू है, पहले मैंने करंट ब्लैक था, ब्लू कर दिया, ओके किया, वो देखिए आउटलाइन ब्लू कलर की आ गई, उसके साथ ही शेडो आ जाता है। अब डिफरेंट कलर के शेडो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये तो बिल्कुल नो शेडो था, अगेन सॉरी, शेडो, शेडो डिफरेंट टाइप्स के शेडोज हैं, ये देखें जैसे बिल्कुल नीचे शेडो आ रहा है, अभी मैं ये मेरा शेडो लगाऊंगा, अब ये देखें उसके नीचे बिल्कुल लाइट मध्यम सा एक आपको नजर आ रहा है शेडो आया हुआ है माय नेम इज अली के नीचे, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन आ जाता है, रिफ्लेक्शन ये कि बिल्कुल जो वर्ड लिखा ऊपर उसके रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मिरर नहीं होते, मिरर में जाता है हम अपना हमारा अक्स नजर आता है, वैसे रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो भी लिखेंगे वो आपको नीचे नजर आएगा एग्जैक्ट सेम। अभी देखिए माई नेम इज अली नीचे भी वैसे एग्जैक्ट नजर आ रहा है लेकिन उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की वजह से ना। अब कुछ भी हम देखें, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो फ्रंट जो मिरर होता है उसमें से देखें तो बैक से अगर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, अगर वो मिरर से देखें तो वो एम्बुलेंस सीधा नज़र आ रहा होता है, बस ये रिफ्लेक्शन का सीन है। उसके बाद ग्लो आ जाता है, कोई भी वर्ड को ग्लो कर रहे हो तो उसका डिफरेंट कलर मोर कलर आ जाते हैं, जब मोर कलर में हम ले आते हैं पर्पल, वो देखें रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी है, शेड भी है, ग्लो भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है।
इसका ये है। और उसके बाद नंबर्स डाल दिए इतने। अब जो उसके बाद बात ये आ जाती है कि देखिए ना, अब जो जो हमने ये अप्लाई कर किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब जो इफेक्ट्स हम इस पे अप्लाई, वो सारे इफेक्ट मैं इस एम फ्रॉम लाहौर पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसका यहाँ पे एक वर्ड होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने मार्क किया, यहाँ पे एक वर्ड है, देखें, फॉर्मेट पेंटर, ये आपको नज़र आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें ब्रश टाइप आ जाएगा। आई थिंक अभी नहीं हुआ, ब्रश टाइप आ गए नज़र आ रहा है। अभी मैं जैसे ही इसके ऊपर जितने जितने को मार्क होंगे, वो सेम वही फॉन्ट, वही कलर, वही रिफ्लेक्शन, वही इस पर आ जाएगा। वही अगर चीज़ मैं इस पर ले आऊँ दोबारा, फिर इसको मार्क करूँ और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँ, वो देखें वो ब्रश टाइप आ गए। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक करके छोड़ा गया, वो वैसे सेम वैसे आ रहा है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अब मैंने लिख दिया है, एमएल लिख दिया है, निशान लिख दिया है। अब गलती ये है कि मैंने निशान नहीं लिखना था, मैंने कुछ और लिखना था। अब मैं इसको ऐसे डेल करूँ या बैक स्पेस करूँ, उससे अच्छा है तो एक शॉर्टकट की है, बहुत ईजी है, उसके लिए है कंट्रोल वाई, रीडू और अंडू, ये दो वर्ड है उसका। एक तो ये यहाँ से मैं करूँगा बैक, वो जो प्रोसेस होता जाएगा वो देखा खत्म होता जाएगा, निशान खत्म हो गया, अहमद भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये रीडू और अंडू का मतलब है, ठीक है। और रीडू हो जाता है उसमें कंट्रोल वाई में, और अंडू हो जाता है कंट्रोल जेड में। अभी मैं दोबारा फिर क्लिक करूंगा, अहमद आ जाएगा कैपिटल में, निशान आ जाएगा, तो मेरा कर्सर वहां पे वापस आ जाएगा। मैं करता हूँ, आपको कुछ चीज़ की समझ आ गई। अब देखें, मैं जब कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा, अब कंट्रोल जी दबाऊंगा तो वो कटता जाएगा, अंडू होता जाएगा, जो जो मैंने लिखा है वो देखें वो खत्म सारा हो रहा है ऊपर चढ़ के, जो मैंने किया अब तो सारा खत्म हो गया ना। और जो जो मैंने अप्लाई फॉन्ट करके था, मैं कंट्रोल वाई करते हैं, वो सब वापस आता जाएगा। जो भी एक दफ़ा काम कर रहा हो तो उसको अगर गलती से भी मिस्टेक से चेंज हो जाए तो इंसान दोबारा उसको वापस ला सकता है। ये है शॉर्टकट कीज फॉर रीडू एंड अंडू। अदरवाइज यहाँ ऊपर से भी आप कर सकते हैं रीडू, इससे करेंगे तो वापस वो आता जाएगा जो आपने लिखा है, और इससे करेंगे ये अंडू होता जाएगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है देखें, रीडू कंट्रोल वाई और अंडू कंट्रोल जेड, ठीक होगा। मैं करता हूँ, आपको इस चीज़ की समझ आ गई। और अब ये मैंने सारों को मार्क कर लिया, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको कट कर लूँगी, कॉपी करके नीचे वाले पेज पे ले आऊँ। जैसे मैं देखें नीचे पेज नंबर 2 भी ओपन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे देखें कॉपी और कट का ऑप्शन है। अगर आपको शॉर्ट की कॉपी और कट के नहीं आ रही, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी, तो आप इस पे जाएं कॉपी पे, कॉपी हो गया, यहाँ पे आएं और यहाँ पे पेस्ट का भी ऑप्शन है। अगर कंट्रोल वी का भी आपको भूल गए, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है कंट्रोल वी, और साथ में ऑप्शन भी बता रहे हैं कि आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सको, पेस्ट पर क्लिक करो, एग्जैक्ट सेम नीचे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऐसे क्लिक करके यार मैं कट करूँ, यहाँ पे ना रहे, और ऊपर से कट का भी ऑप्शन है, और इस चीज का है कंट्रोल एक्स, और आप दोबारा नीचे आके इसी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल वी करके भी कर सकते हो। और ये जो है वर्ड यहाँ पे पेस्ट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो पेस्ट हो जाएगा। बहुत इजी वे है, और शॉर्ट कीज मैं आपको बाद में लिख के सेंड भी कर दूंगा, जो जो हमने अप्लाई किए हैं, जो जो हमने करनी है यहाँ पे ऐसा। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जो हम काम कर रहे थे वहां चलते हैं, ठीक हो गया। और उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मेट प्रिंटर कट कॉपी पेस्ट की समझ आ गई, ये नॉर्मल चीज़ें बच्चे समझ जाते हैं आसानी से। अगर फिर भी आपको फॉर्मेट प्रिंटर की नहीं समझ आ रही तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, जो ये बना हुआ है ना, ये इतना सब पेज टाइप, इसका मतलब है कि न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज आ जाएगा, आ नहीं रहा, हाँ न्यू पेज आ गए। अब इस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अब मैं लिखता हूँ जैसे सलमान, ये एमडी, उसके बाद अली, ये मैंने तीन बच्चों के नाम रख दिए हैं। अभी भी मतलब था बोल्ड कर लूँ और फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ। अब ये मैंने लिखे दिन के नाम वगैरह, ठीक है। अब मैं वही कहता हूँ कि ये देखो यार, ये सलमान है ना, सलमान लड़का, अब इस पर मैं थोड़े से ना अपर केस लगा देता हूँ, उसके बाद इस पर थोड़ा सा ब्लू कलर करके,
कुछ आउटलाइन दे देता हूँ इस नेम को, उसके बाद कुछ भी जो अभी मैं समझाया था बच्चों आपको उसके रिलेटिव कुछ भी देता जाता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको समझ आ जाए। ग्लो भी कुछ भी लगा दे एक दफ़ा एग्जैक्ट, जैसे ये पिंक कलर का ग्लो आ गया, ठीक होगा। अब आप जैसे देख रहे हैं सलमान, उसके नीचे शेड लगा हुआ है, काफ़ी सारे फैक्ट्स लगाए हैं, तो मैं सेम एग्जैक्ट यही चाहता हूँ कि मैं जो सलमान पे मैंने लगाए वही मैं GMD और अली पे लगाऊँ। और इसका सबसे इजी और बेस्ट वे है, इसको मार्क किया ऐसे आपने और यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे गए, जो लफ्ज़ है ना फॉर्मेट प्रिंटर, इस पे इसके शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V। Ctrl+Shift+C का मतलब आप इसको कॉपी कर लेंगे और Ctrl+Shift+V का मतलब ये कि आपको जहाँ पे इसे कल वहाँ पे पेस्ट कर, मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे ब्रश टाइप नज़र आ रहा है। अब मैं इस पे जैसे ही GMD करूँगा ऑटोमेटिकली GMD का भी वैसे ही फॉर्मेट आ जाएगा जैसे मैंने सलमान का रखा है, और जैसे ही मैंने GMD का रखा है वैसे मैं चाहता हूँ कि मैली का रखूँ, और फॉर्मेट प्रिंटर पर गया, ब्रश टाइप आ गया और यहाँ वैसे किया और एग्जैक्ट अली का भी वैसे आ गया। और अब मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों के अंदर ना और भी थोड़ा फॉन्ट कलर वगैरह ऐड कर दूँ और थोड़ा सा ना टेक्स्ट हाईलाइट कलर कर दूँ। अब ये देखें, अब मैंने सलमान और GMD को मार्क किया और इस पे कलर पे आ गया, देखें जैसे कि अभी हम डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, पर्पल, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मैं ग्रे टाइप आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं येलो कलर लगा देता इस पे जो डिसेंट लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा कुछ भी लिखा उसके बैकग्राउंड में जो कलर आता है वो आ जाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका देखें टेक्स्ट हाईलाइट वो चीज़ को हाईलाइट कर, जैसे आप CBR जूम बना रहे हैं या कोई टेस्ट बना रहे हैं, ये कुछ हेडिंग जो है उसको हाईलाइट करने के, यार ये हमारी हेडिंग है इसको हाईलाइट करना है, पता चल जाए बच्चों को ये हेडिंग चल रही है। उसके लिए सबसे बेस्ट भी यही है कि उसको ना हाईलाइट करें ताकि बच्चों को चल जाए कि ये हेडिंग है यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये बेस्ट वे है। और सेम अगर मैं हाईलाइट चाहता हूँ कि मैं यार ये हाईलाइट दूसरों पे करूँ और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके कर सकता हूँ। और उसके बाद आ जाते हैं दोबारा फिर इसको मार्क करते हैं और आ जाते हैं, मुझे लगता है कि आपको इस हाईलाइट की समझ आ गई। कोई भी आप अपनी मर्जी के कलर दे सकते हैं जो भी आपको प्यारा लगे, जैसे मैंने ब्लैक अभी दे दिया है, प्यारा लग रहा है ये भी, मैंने गिन मार किया। अब मैं आ गया हूँ फॉन्ट कलर पे। फॉन्ट कलर का मतलब है ये कि जो मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा सलमान और GMD ये मैं लिखा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के जो भी कलर होंगे वो कलर चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा, अब मैं थोड़ा सा इसका 90 पे ले आता हूँ, हाँ ये देखें जैसे अभी ये देखें रेड कलर, येलो कलर, हमें येलो पे क्लिक किया। अब ये देखें सलमान और GMD को जो भी कलर था पहले जो भी था वो अब चेंज हो गया, अब इसका अपना ओरिजिनल कलर आ गया जो मैं लगा रहा हूँ अपनी मर्जी से। बेशक मैंने अभी इसके ऊपर वाइट कलर लगाऊं, ब्लैक कलर लगाऊं, अभी मार्क नहीं किया, मार्क किया, अब अपनी मर्जी का कोई भी इस पर कलर लगा सकता हूँ। ये देखें कुछ भी ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज, अगर ग्रेडियंट लगाने हैं तो यहाँ से डिफरेंट कलर के नो ग्रेडियंट आ जाते हैं, लाइट वेरिएशन आ जाते हैं, जैसे मुझे पीछे चेंज भी हो रहा है, डार्क वेरिएशन भी आ रहा है। ये देखें एक साइड देखें लेफ्ट साइड से और राइट साइड से डार्क वेरिएशन आ, जैसे देखें ना सलमान के एस साइड से और एंड साइड से बहुत फर्क है, एक साइड में डार्क एक साइड पर लो, GMD का ये डी लाइट और जी थोड़ा डार्क है। और मैं कह जो मैंने ये यहाँ पे अप्लाई फॉन्ट वगैरह किया वो मैं कहता हूँ कि मैली पे भी करूँ, और वही सेम फार्मूला फॉर्मेट प्रिंटर पे गया, क्लिक किया और वहाँ पे आया ब्रश टैप है और उस पर क्लिक किया और सेम इन तीनों पे वही फॉर्मेट हो गया। और लास्ट पे मैं बच्चों को कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बताना चाहता हूँ और वो आपके बहुत काम आएंगे और उनको याद भी रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Ctrl+C इक्वल टू कॉपी, कोई भी टेक्स्ट वगैरह कुछ भी है तो उसको आपको कॉपी करना है। सबसे पहले इसको मार्क करें, फिर इसको कॉपी का ऑप्शन होगा साइड पे, जैसे ये है पेस्ट कॉपी कट का फॉर्मेट प्रिंटर के साथ कॉपी कर सकते हैं। फिर Ctrl+X होगा, Ctrl+X मतलब कट, कोई भी पैराग्राफ है या लाइन है या फिर शीट है कुछ भी इसको कट करना, जो भी वर्ड लिखे होंगे
पहले मार्क करें फिर कंट्रोल प्लस एक्स दबाने वो कट हो जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस वी इज इक्वल टू पेस्ट आ जाएगा, जो डाटा आप कट करेंगे कॉपी करेंगे वो जहाँ पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी इज इक्वल टू पेस्ट, इसका मतलब ये कि हम पी सॉरी प्रिंट, इसका मतलब जो भी हमें ये लिखा हुआ है वो डाटा प्रिंट होगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट लेआउट, जो हमें लिखा इसका प्रिंट लेआउट कैसे निकलेगा। यार कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं, ये देखें जो मैंने अभी सारे शॉर्टकट की थी, लेकिन इसका प्रिंट इस वे से आ रहा है, ये फॉर्मेट है कैसे मैंने किया, वर्ड आके पीछे नहीं, ये सब कुछ। और इसको हम डिफरेंट स्टाइल से बदल सकते, पीडीएफ में कर सकते हैं, एक्सपीएस में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, जो मैंने बताया था ये बोल्ड करने के लिए आ जाता है। और फिर कंट्रोल प्लस आई इज इक्वल टू अटैलिक करने के लिए, जैसे ये है अटैलिक। कंट्रोल प्लस यू इज इक्वल अंडरलाइन, ये अंडरलाइन डिफरेंट टाइप्स के अंडरलाइन है जो ये हैं। जैसे कि मैं बताया शॉर्टकट कीज बहुत ज़रूरी होती हैं एमएस वर्ड में, ताकि ना आप जो भी काम है जल्दी से जल्दी कर लें, ऐसे ना एक काम को आप घंटों लेके बैठे हैं, शॉर्टकट कीज बाई ही इसी लिए हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस ग्रेटर इज इक्वल टू इंक्रीज वर्ड साइज, जैसे ये देखें ये ऊपर आप दिया भी होगा, कंट्रोल प्लस बिगर इज इक्वल टू इंक्रीज वर्ड साइज, जैसे ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने के लिए ये आ जाता है कंट्रोल प्लस बिट स्मॉलर आ जाएगा, और जैसे ये है ये इसको स्मॉल करता है, जो भी वर्ड है सबको स्मॉल करता जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कंट्रोल और प्लस को दबाएंगे सबस्क्रिप्ट लग जाएगा, जो वैल्यू नंबर उसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो सबस्क्रिप्ट लग जाएगा कंट्रोल प्लस के साथ दबाने से। कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाएं और साथ में प्लस को बटन दबा दें और सुपर स्क्रिप्ट लग जाता है, जो पावर में वैल्यू को लिखने के लिए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। ये दो ऐसे वाहिद हैं जो जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के रिएक्शन वगैरह लिखने के लिए काम आते हैं, अदरवाइज इनका काम बहुत कम है। और जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इज इक्वल फॉर्मेट कॉपी, जो भी हमें फॉर्मेट है ना इसको कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीज ये हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इज इक्वल कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी इज इक्वल पेस्ट, जैसे कट और पेस्ट का था ना वैसे ये सिस्टम है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जेड इज इक्वल टू अंडू, जैसे ऊपर लिखा हुआ है अंडू श्रिंक फॉन्ट कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू है कंट्रोल प्लस वाई रिपीट श्रिंक फॉन्ट, जो हम डाटा रिपीट करने की जो गलती होगी दोबारा रिपीट करना चाहते हैं कि यार ये ऐसे ना हो वो देखें। अगर अंडू रीडू करना है तो ये कंट्रोल प्लस वाई, और अंडू करना है कंट्रोल प्लस जेड। लास्ट पे ये आपको कुछ मैंने सेंड कर दिए हैं शॉर्टकट कीज, अब मैं इसको आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा ग्रुप में, और आप इस बच्चों इसको याद कर लीजिए और बाद में बहुत काम आएंगे। और अपनी अटेंडेंस आपने दिखानी कमेंट सेक्शन में वे रोल नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे शेयर कीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।